हे गाइस वेलकम फ्रेंड्स और न्यू वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैं बात करने जा रहा हूँ माइग्रेटेड बॉलरिंग के बारे में। होता क्या है कि बेसिकली अगर आप यूट्यूबर हो और अभी भी यूट्यूब चैनल आपने ओपन किया है तो आपने कोई छोटा मोटा माइक लिया हो या बोया का माइक लिया हो, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब इसको लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं या मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो वो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में तो मैं लैपटॉप पे कवर करने वाला हूँ कि लैपटॉप में क्या रीजन होता है जिसकी वजह से ये जो है लैपटॉप में सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप मोबाइल रिलेटेड भी प्रॉब्लम जानना चाहते हैं तो बेसिक कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। अगर मुझे 100 कमेंट इस पे मिलेगा कि मोबाइल रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप बताएं कि मोबाइल में कैसे जो है इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं तो मैं इसके लिए भी वीडियो जरूर बना के ले आऊंगा। फिलहाल जो है इस वीडियो को लाइक कर आज का टारगेट रखता हूं मैं ओनली 400, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरह से कंटेंट जो है अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आते रहते हैं। जो भी हमारे यूट्यूबर्स है उनको जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसके रिलेटेड वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की इस बाइक जैसे आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे थे एक जैसे मान लीजिए माइक के बारे में, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास जो माइक है ये बोया का माइक है, ठीक है, ये बोया का माइक है। अब इसमें होता क्या है, जब आप इस बोया का माइक को ले लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे एक स्विच होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है नीचे जो होता है इसमें लिखा है ऑफ या स्मार्टफोन, ठीक है। और जब आपको स्मार्टफोन पे कवर करना है तो आप नीचे की तरफ कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप या कैमरा को यूज करते हैं तो इसको आपको कैमरा की तरफ करनी होगी। ये चीज को आप नोटिस कर लीजिएगा अगर इससे भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर इससे भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो इसको क्या करना होता है, क्या प्रॉब्लम होता है जो अपनी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ताकि ये मोबाइल जो भी अपना जो माइक्रोफोन है वो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। बहुत सारे रीजन होते हैं लेकिन बहुत ही छोटा जो है इसका सॉल्यूशन है, बहुत ही छोटा सॉल्यूशन है। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पाओगे, ठीक है। आगे मैं सारा आपको लैपटॉप स्क्रीन लैपटॉप पे ले जाके बताऊंगा कि कैसे कैसे जो इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का मैंने कमेंट देखा इस रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में तो सोचा कि क्यों ना जो है मैं माइक रिलेटेड फिक्स जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे फिक्स करते हैं उसके बारे में वीडियोस क्यों ना बना दूं, तो आप लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे जो है हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमें चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए ले चलते हैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे और वहां पे दिखाते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई करना होता है। सो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप पे स्क्रीन पे। जैसे कि आज के इस वीडियो पे हम कवर करने वाले थे माइक रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में जो आती है उसको फिक्स करने पे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम अपना कंट्रोल पैनल पे, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल में जाके आपको देखना होता है कि आपकी जो माइक है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। तो उसके लिए चलेंगे कंट्रोल पैनल में, उसके बाद हम चलेंगे साउंड पे। तो जैसे साउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखता है, स्पीकर हेडफोन्स कम्युनिकेशन हेडफोन्स, और ऊपर दिखता है आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, ठीक है। अगर मैं रिकॉर्डिंग पे जाता हूँ रिकॉर्डिंग पे क्लिक करता तो यहां पे आपको दो चीज देखने को मिलता है, एक इंटरनल माइक और एक माइक्रोफोन ऑब्लिक लाइन इन, ठीक है। तो यहां पे देख रहे होंगे यहां पे जो इंटरनल माइक और जो माइक्रोफोन जो है मेरा दोनों वर्क कर रहा है, यहां पे फिलहाल जो है मेरा दोनों वर्क कर रहा है, यहां पे आप देख रहे होंगे दोनों चीज जो है हमारा यहां पे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि आपका जो ये माइक्रोफोन है ना, ये माइक्रोफोन जो है ये जो आप ग्रीन सा डंडा देख रहे होंगे यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है ये ब्लिंक नहीं करता है, ठीक है। जो मैंने तो अपनी मोबाइल पे सेटिंग कर सॉरी मैंने अपनी जो है लैपटॉप पे सेटिंग कर रखी है ये, लेकिन आपको भी सेम प्रॉब्लम यही देखने को मिलेगा। जो इंटरनल माइक है ये आपका तो ब्लिंक करेगा बट जो माइक्रोफोन वाला है ये आपका जो है फ्लो नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कैसे रिजॉल्व करना होता है, ठीक है, तो वो चीज़ आज इस वीडियो पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसको बंद कर देते हैं फिलहाल कंट्रोल पैनल को। तो यहाँ से आपको करना होता है आपका माइक प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम सीधा क्रोम पे। क्रोम में जाने के बाद सीधा आपको क्या करना है, गूगल को ओपन करना है और यहां पे आपको टाइप करना है रियलटेक ऑडियो ड्राइवर, ठीक है। रियलटेक ऑडियो ड्राइवर जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको जो सेकंड वन ऑप्शन दिख रहा होगा रियलटेक डैश डाउनलोड डॉट कॉम, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सेम इंटरफेस आपके सामने भी इस तरह से यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल और आसान इंटरफेस है, ठीक। और यहाँ पे एक फायदा है कि आपको हर चीज़ का जो है ड्राइवर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा होगा डायरेक्ट लिंक जो है यहाँ पे डाउनलोड का, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे रियलटेक SD ऑडियो ड्राइवर, ठीक है। और यहाँ पे जो है 32 GB या 64 GB, अब आपको कैसे क्लियर करना है कि आपका सिस्टम 32 GB है या 64 GB है, तो आपका जो डेस्कटॉप का जो स्क्रीन होगा यहाँ पे माई कंप्यूटर होगा, माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। जैसे आप प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाता है ऑप्शन मैनुफैक्चर कौन सा कंपनी का है, यहाँ पे सारे प्रोसेसर दिख जाता है कि रैम कितने साइज का है आपका, और सिस्टम टाइप यहाँ पे देखे होंगे 64 GB ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका 32 GB है तो आपको 32 GB का डाउनलोड करना है। अगर आपका 64 GB का है तो 64 GB का आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको वेरीफाई करना होगा कि आपका सिस्टम जो है कितने बाइट का है, ठीक है।
तो भी मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरा 64 बाइट का है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है, यहाँ से डाउनलोडिंग कर लेना है। डाउनलोडिंग करने के बाद मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए आगे का प्रोसेस आपको नहीं बताऊंगा, बट इसको क्या करना है आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, ठीक है, आपको अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद दोबारा आप कंट्रोल पैनल में जाके चेक करेंगे। जैसे आप कंट्रोल पैनल में जाके चेक करेंगे तो आपकी जो हेल्दी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, कंट्रोल पैनल में जाके साउंड में जाएंगे, साउंड में जाने के बाद जो है रिकॉर्डिंग में जाएंगे। जैसे रिकॉर्डिंग में जाएंगे तो जैसे यहाँ पे आपका ये वाला जो चीज़ है ये ब्लिंक नहीं कर रहा होगा, बट अब आप देखने को मिलता है जब रिस्टार्टिंग कर लेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ये चीज़ ब्लिंक करने लगेगा, ठीक है। तो आपका जो भी माइक्रोफोन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप पे, तो इस तरीके से जो है आप सपोर्ट करने लगेगा आपका लैपटॉप पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का इशू होता है क्योंकि ये ड्राइवर नहीं ऑलरेडी इंस्टॉल होता है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, तो ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना होता है। बस एक ये छोटा सा चीज़ था, आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लोगे तो आपका जो एक्सटर्नल माइक है वो आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप या लैपटॉप में जो है सपोर्ट करने लगेगा। बस दोस्त यही था एक छोटा सा वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। बस एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए, How to fix a problem of mic, ठीक, okay, thank you very much for watching.